तुम अपना नाम बताएगी हमको? मेरा नाम हिना है। हिना है। मैं मिसेस शबनम सिंह, प्रोफेसर शबनम सिंह की बेटी हूँ, जो यहाँ पे प्रिंसिपल हैं महिला कॉलेज की। हम एक चीज और जानेंगे, तुम्हारी तो शादी हो गई है जी फिर भी तुम्हारी पढ़ाई जारी है। जी बिल्कुल। कहाँ पर पढ़ रही हो अभी तुम? अभी मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन सोशल वर्क कर रही हूँ। ये मेरा फाइनल सेमेस्टर है जो मई में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं अपना जॉब कंटिन्यू करूँगी जहाँ से भी करूँ। और तुम्हारे साथ वहाँ पर जो स्टूडेंट सब है कहाँ कहाँ के लोग हैं? वो मोस्टली ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स के हैं, जैसे मोस्टली केरला के हैं, कर्नाटका के हैं, मुंबई, पुणे, दिल्ली, झारखंड के हैं, आसाम के हैं, ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स के वहाँ लोग आते हैं पढ़ने मणिपाल यूनिवर्सिटी में। तो अच्छा है, बहुत डिफरेंट कल्चर देखने को मिलता है वहाँ पे, कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत है वहाँ पे। इट्स नाइस। वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम जो है उसको तुम लाइक करती हो? बहुत बहुत। सबसे अच्छी चीज़ है वहाँ पे ये है कि वहाँ के जो टीचर्स होते हैं ना, वो बहुत सपोर्टिव होते हैं, बहुत सपोर्टिव। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो लोग टीचर है, दे आर कम लाइक दैट टीचर कम पेरेंट्स। वो आपको कभी ऐसा फील नहीं होने देंगे कि आप इतने दूर से आए हो, नए जगह पे हो, ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ। बहुत सपोर्टिव है वो। तुम्हारे पसंद के जो टीचर वहाँ के हैं जी, जिससे तुम ज़्यादा प्रभावित होती जी, उनका नाम बता सकती हो? जी एक्चुअली सारे ही टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बट एक मैम है मिस पूर्णिमा, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, एंड बहुत एक अलग सा कुछ मुझे उनके पर्सनालिटी में देखने को मिला। इज वेरी स्ट्रांग, एंड अगर मैं लाइफ में अगर लेक्चरर बनूँ आगे जाके, तो मैं उनके जैसे बनना चाहूँगी। इज वेरी स्ट्रांग। मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ है। थैंक यू सो मच। तुम अच्छा करके आओ मणिपाल से। बिल्कुल, थैंक यू। मैडम एक लाइन आपसे भी बात करें। हाँ बोलिए। ये मनी क्या कहते हैं, हिना तो मणिपाल में पढ़ रही है जी। आपने तो इनकी शादी कर दी है जी। तो वहाँ जो वो पढ़ाई करके वो आएगी, जॉब करेगी जी। आपकी क्या शुभकामनाएं होगी इनके साथ? शुभकामनाएं होंगी यही कि वो जॉब करे, आगे बढ़े, अपने लाइफ में कुछ और अच्छा करे, यही मेरी शुभकामना होगी। आपका कोऑपरेशन भी मिल रहा है मैडम इसको? हाँ मेरा कोऑपरेशन पूरा है इसके साथ। थैंक यू मैडम।